सुरेंद्र जी, 4.5 साल आपकी सरकार साथ में रही और 12 मार्च को आपको अलग कर दिया गया या अलग हुए? नहीं, अलग किया गया। बहुत सारी बातें थी और आपके पास, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि वो आपको अलग कर दें? मैं आमंत्रित करूंगा सुरेंद्र सरोज जी, जननायक जनता पार्टी के आजकल राष्ट्रीय सचिव हैं, फरीदाबाद पलवल के जिला अध्यक्ष रहे हैं और सरकार की सहयोगी पार्टी रही है आज से 5 महीने पहले तक। इस देश रोजाना के प्रधान संपादक मेरे छोटे भाई मग्गू जी और इनकी टीम का मैं यहाँ बुलाने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और सभी साथी जो बैठे हैं सबको मेरी राम राम। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। 4.5 साल आप सरकार में भागीदार थे जी, हरियाणा सरकार के अंदर आपकी पार्टी सरकार में भागीदार थी। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो माइक ले लें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो वहीं जाकर पूछेंगे आप लोग, ठीक है? सुरेंद्र जी, 4.5 साल आपकी सरकार साथ में रही और 12 मार्च को आपको अलग कर दिया गया या अलग हुए? नहीं, अलग किया गया। बहुत सारे मुद्दे थे जी। आज आपके नेता दुष्यंत चौटाला जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, कभी किसान के मुद्दे पर बोल रहे हैं, कभी कई मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें थी और आपके पास, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि वो आपको अलग कर दें? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में बहुत से काम किए, चाहे वो हमारे हरियाणा के बच्चों का मामला हो, आरक्षण का बिल पास करवाया 75% नौकरियों का, चाहे वो महिलाओं की पंचायत में भागीदारी रही हो। बीच में टोकूंगा, कोर्ट में पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन वो करवाया तो विधानसभा से पास हुआ, वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट से भी जीतेंगे और वो लागू होगा जी। और हमारे ही पैटर्न पे अब कर्नाटक सरकार, वहां कांग्रेस की है, उन्होंने वहां 100% का लागू किया है, तो वो हरियाणा के बच्चों के लिए था, ताकि हमारे जो एक बेरोजगारी बढ़ी हुई है, हरियाणा के बच्चों को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, बस यही उनका मकसद था दुष्यंत जी का। उसके बाद हमारी बहनें, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, उन्होंने राशन डिपो होल्डर में 33% का आरक्षण का बिल बनवाया, उसके बाद पंचायत में बनवाया, ताकि हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा पंचायत में चुन के जा सके और अपनी बात रखें। दुष्यंत जी ने 5100 रुपए पेंशन की घोषणा थी, आपका वादा था 5100 रुपए की पेंशन की बिल्कुल हुई थी, और 3000 पेंशन दुष्यंत जी ने करवाई। उसका श्रेय मनोहर लाल सरकार को दें या दुष्यंत चौटाला को दें? नहीं, दुष्यंत चौटाला को जाएगा। मनोहर सरकार ने 5100 रुपए पेंशन नहीं की, कुछ मुद्दे थे जिनसे लेकर पार्टी में थोड़ी अनबन थी, तभी दुष्यंत 5100 रुपए उन्होंने पेंशन नहीं की, आदरणीय खट्टर साहब ने जी। उस बात को लेकर भी था कि दुष्यंत जी की एक ही डिमांड थी लोकसभा के चुनाव में भी, कि चाहे आप हमें एक भी सीट मत दो, लेकिन आप जो हमारे बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता मिलता है, आप 3000 से उसे 5100 कर दिए, वो सरकार ने बात मानी नहीं। दुष्यंत चौटाला ने भी पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, सोशल मीडिया एक्स पर उनका ट्वीट था, वो कह रहे थे कि गलतियों से, बुजुर्गों से और अनुभव से सीख रहे हैं। सीख चुके हैं, सीखना बाकी है। आपको कुछ बताया हो कभी? देखो जी, हर चुनाव में और हर उसमें आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, हो सकता है उन्होंने जो कहा है वो ठीक ही कहा होगा, हर चीज में सीखने को मिलती है। पाठशाला चल रही है अभी। हाँ, क्या कह सकते, पाठशाला चल रही है अभी। पाठशाला नहीं, वो बिल्कुल, वो बहुत सुलझे हुए और परिपक्व नेता है, बहुत समझदार है और बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ। आपसे आखिरी सवाल मेरा, अगर कोई और सवाल करना चाहेंगे तो करेंगे, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक है सुरेंद्र सरोज जी। मैं समझता हूँ कि जो आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिले के अध्यक्ष थे, तो दुष्यंत चौटाला से बात तो होती होंगी जी, पहले भी होती होंगी जी, आज भी होती होंगी जी। क्या उनको लगता है कि सरकार के साथ का उनका अनुभव था जो 4.5 साल का, वो कितना अच्छा या कितना बुरा, कैसा मीठा या कैसा कड़वा? देखिए, ये सब वक्त के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी 4.5 साल चली, बहुत अच्छी चली, उसमें दोनों तरफ से ही
सरकार में बहुत अच्छे काम भी हुए और सबकी मदद से, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, बीजेपी का भी योगदान रहा और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का भी योगदान रहा। जब तक वो पार्टी में रहे तब तक अच्छे काम किए, तब पार्टी से अलग हुए तो उनकी विचारधारा अलग और हमारी पार्टी की विचारधारा अलग। एक और राज जोड़ देता हूं, अभी दीपेंद्र हुड्डा का आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के लिए। अभय चौटाला का सवाल उनसे ही पूछेंगे, उनकी पार्टी वाले आएंगे, तो आपकी पार्टी वालों को सितारे कहा है, तारे और सितारे, सितारे अब भी हो आंख के क्या? देखिए वो उनका पार्टी का नहीं, वो उनका घर का मामला है, तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की आंख के तारे सितारे। नहीं नहीं, वो तो गलत है, कोई आंख सितारे नहीं, उनकी पार्टी की अलग रहा है, हमारी पार्टी की अलग रहा है, और हमारे दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी फैसला जनता जनार्दन के हाथ में, उनका जो भी जनादेश होगा वो हमें मंजूर है। धन्यवाद सौरभ साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।